नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड में शाहपुर बघोनी के टोला फाजिलपुर वार्ड 9 में कब्रिस्तान की भूमि पर ग्रामीणों का कब्जा। ग्रामीणों ने कहा कि कब्रिस्तान की खुदाई में निकला कंकाल। ग्रामीणों में आक्रोश होने पर ग्राम पंचायत शाहपुर बघोनी के टोला फाजिलपुर वार्ड 9 के ग्रामीणों ने ताजपुर अंचल अधिकारी को आवेदन पत्र दिया कि उक्त कब्रिस्तान की भूमि पर PHED के द्वारा कार्य करवाया जा रहा था, उसकी कब्रिस्तान की भूमि का पैमाइश करवाया जाए और अतिक्रमणकारियों और PHED के कार्य को रुकवाया जाए। ग्रामीणों के आवेदन के बाद अंचल अधिकारी को आवेदन देने के बाद ग्रामीणों की उपस्थिति में अमीन के द्वारा नाप किया गया। अंचल अमीन ने पूरी ईमानदारी से अपने कार्यकाल में रिपोर्ट का खुलासा किया और कहा कि कब्रिस्तान की भूमि जल कार्य किया जा रहा है और ग्रामीणों ने कब्जा भी कर रखा है। मोहम्मद सनाउल, मोहम्मद अनाउल, मोहम्मद हानिफ एवं तस्लीम पिता स्वर्गीय अब्दुल वहीद के द्वारा अतिक्रमण किया गया, जिसकी शिकायत मोहम्मद नूरायन ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के एक कार्यालय में दर्ज की। लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी ताजपुर को सूचना दी गई। तत्पश्चात अंचल अधिकारी से प्रतिवेदित किया गया कि परिवार की जांच की जाए और हल्का कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से भी कराई गई। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार भूमि का विवरण जो है वो इस तरीके से है। साथ ही खाता संख्या 2926 खेसरा संख्या 2863 की किस्म कब्रिस्तान रयात का नाम गर्मजराव आम अंचल अमीन के नापी प्रतिवेदन के अनुसार जलनल योजना का 2 पिलर खेसरा संख्या 2850 में तथा दूसरा पिलर 2863 में गड्ढा हुआ है, जिसे विवादित होने के बाद तत्काल कार्य रुकवा दिया गया और संबंधित विभाग PHED द्वारा किया जा चुका है। उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी ताजपुर को निर्देश दिया जाता है कि यदि परशनगत भूमि पर अतिक्रमण है तो कार्रवाई की जाए। कब्रिस्तान है, यही कब्रिस्तान है फाजिलपुर शाहपुर बघोनी वार्ड नंबर 9, ये 2863 है और बगल में 2850, उसके बगल में 2849 है। इसी में बोरिंग काट दिया गया है क्या? 2850 में और 63 में। हमारा नाम हुआ मोहम्मद वाजिद, हमारा घर हुआ मोहम्मद शाहपुर बघौनी टोला फाजिलपुर वार्ड नंबर 9। हमारे कब्रिस्तान में थोड़ी सी जगह है, उस थोड़ी सी जगह में वो नल जल वाला अभियान कराना चाह रहा है। जगह की बहुत वहाँ पर कमी है, वहीं पे जनाजे की नमाज होती थी, अगर वो वहाँ पर हो जाएगा तो फिर जनाजा की बहुत दिक्कत हो जाएगी और जगह भी बहुत कम है, उसको ध्यान रखते हुए यहाँ से हटाना जाना चाहिए। समस्या है, एक तो जगह नहीं है और जो भी जगह है उसमें थोड़ा सा वो कब्जा किए हैं, थोड़ा वो कब्जा किए हैं और जो थोड़ी सी जगह है उसमें हम लोग जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, वो बहुत दिक्कत से परेशानी है। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद इब्राड है, शाहपुर बघोनी टोला फाजिलपुर मकान हुआ और जो है वो वार्ड नंबर 10 में घर हुआ, वार्ड नंबर 11 में हम लोग का कब्रिस्तान है, 9 में वार्ड नंबर 9 में हम लोग का कब्रिस्तान है। उसमें जल नल का जो लगाया गया था गाड़ने के लिए वो बिल्कुल कब्रिस्तान के अंदर है, जिसमें जो है वो मुर्दा वगैरह का हड्डी भी निकला। इस पर ग्रामीणों ने प्रतिवेदन दिया अंचल अधिकारी को, अंचल अधिकारी महोदय ने अपने स्तर से उसको स्थगित किया और उसी हाल में भी स्थगित पड़ा हुआ है। इस बीच में सामान मान जो पड़ा हुआ है, जनाजे में बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, इसलिए मेरा अनुरोध है प्रशासन से कि तुरंत इसको खाली करा के कार्रवाई करते हुए टाटे जो है अब जो आइंदा जनाजा हो उसमें रुकावट न हो, मेरा यही बात है। मैं तौसीक अहमद इकबाली शाहपुर बघौनी टोला फाजिलपुर का स्थायी निवासी हूँ। मेरे ग्राम में कब्रिस्तान है जिसमें जल नल का एक ढांचा तैयार किया गया जो 2863, 2849 और 2850 उसका खेसरा है। उसमें जल नल को का काम शुरू किया गया जिसमें कंकाल प्राप्त हुआ, खुदाई से कंकाल प्राप्त हुआ तो ग्रामीण में आक्रोश हुआ और उस काम को स्थगित किया ग्रामीण ने।
और अंचलाधिकारी के यहाँ जब पहुँचे तो जो स्पष्ट हुआ कि उस खाता खेसरा से मैं जल नल का योजना होना नहीं था, दूसरे खाता खेसरा को जल नल में लिया गया और खोद दिया गया कब्रिस्तान में, जहां कंकाल प्राप्त हुआ तो ग्रामीण के आक्रोश से यह स्पष्ट हुआ। उसके बाद जल नल का कार्य स्थगित है, लेकिन वहां जब ग्रामीण कोई मरता है तो उसका शव का जनाजा उसी जगह पर होता था जो अभी तत्काल में अस्त व्यस्त है, और वहाँ उस जनाजे को नहीं पढ़ाया जा रहा है, दूसरी जगह पढ़ाया जा रहा है, और जो दिक्कत से हो रहा है। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि जल नल का योजना को वहाँ पर बंद किया जाए और वहाँ पर ग्रामीण मृत शरीर का जनाजा वहाँ पर पूर्व की तरह पढ़ते रहें। और मैं यहाँ का एक शिक्षक हूँ और उसी इससे कह रहा हूँ कि यहाँ पर जनाजा जो पूर्व से पढ़ा जा रहा था वो जनाजा होना चाहिए। जो बात सही है, जो नापी से स्पष्ट हुआ कि सनाउल्ला अनाउल्ला और तस्लीम मोहम्मद हनीफ ये लोग अतिक्रमण किए हुए हैं कब्रिस्तान की जमीन को जो 2850 में और 49 में, तो उसी का अभी कार्रवाई चल रहा है हमारे सीओ के यहाँ, और उसका बाद कोर्ट में भी चल रहा है। ऑर्डर तो आया है लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अंचल द्वारा। हाँ, होना तो है क्योंकि ये ग्रामीण का चीज है, कोई एक आदमी का नहीं है। और ये भी हमारे साथ मोहम्मद नूरैन साहब जो कि मास्टर भी थे, और इन्होंने अपना पूरा जो जीवन काल का समय है लोगों की समस्याओं को का निदान निकाला है, और समाज सेवी भी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है लोगों के हित के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो उनसे आज जानेंगे, इनका घर फाजिलपुर हुआ शाहपुर बघौनी। जनाब, आपसे एक बात जानना चाहते हैं हम कि वार्ड नंबर 9 जो फाजिलपुर में है, जहाँ जल नल का काम चल रहा था, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, क्या कारण है? वार्ड नंबर 9 शाहपुर बघौनी टोला फाजिलपुर में जल नल का काम PhD के माध्यम से प्रारंभ किया गया। प्रारंभ होने के बाद जल नल के लिए गड्ढा खोदा गया। गड्ढा खोदने के बाद खेसर नंबर 2850 में मानव का कंकाल निकला, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश पैदा हुआ और एक आवेदन अंचल अधिकारी ताजपुर को दिया गया। तत्पश्चात अंचलाधिकारी इसका संज्ञान लेते हुए अपने ज्ञापन 691 दिनांक 25/9 के द्वारा अंचला अमीन को ने 28/9/2020 को ग्रामीणों के समक्ष नापी किया, जिससे स्पष्ट प्रतिवेदन से स्पष्ट हो गया कि 2863 और 2850 और 2849 जो गनमेजरुआ आम जमीन है, जिसमें PhD के द्वारा अतिक्रमण करके जनरल का काम शुरू किया गया था, और उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं है, और कुछ ग्रामीण भी जैसे मोहम्मद सनाउल, मोहम्मद अनाउल
मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद तस्लीम द्वारा 2850 को अतिक्रमण करके घर बनाए हुए हैं। नापी प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी को अतिक्रमण वाद चलाकर अतिक्रमणकारियों से जमीन को खाली करवाने का आवेदन दिया, लेकिन अभी तक अंचला अधिकारी महोदया द्वारा शिथिलता बरती गई है। मैंने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी समस्तीपुर को एक ऑनलाइन आवेदन करके शिकायत किया कि इस तरह। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।